दोस्तों आचार्य भरत मुनि ने कुल चार रसों को प्रधान या प्रमुख रस की उपमा दी मुख्य रस की किसने आचार्य भरत मुनि ने एक तो उन्होंने कुल आठ रसों की ही चर्चा की थी लेकिन उन आठ रसों में भी कुल चार रसों को वो कौन कौन से रस हैं श्रृंगार रस वीर रस विभत्स रस और रौद्र रस इन चार रसों को आचार्य भरत मुनि ने प्रमुख या प्रधान रस कहा समझ सकते हैं इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं बात करें यदि अन्य रसों में तो वात्सल्य रस जाहिर सी बात है कि नौ रसों के पश्चात भक्ति और वात्सल्य रस की गणना की गई इन्हें जोड़ा गया रसों में वात्सल्य रस का स्थाई भाव वात्सल होता है यह जो वत्सल शब्द है वह वत्स से बना है वत्स किससे बना है वत्स से और वत्स का अर्थ होता है बच्चा इसी का तद्भव शब्द बछड़ा होता है नियम है व ध्वनि ब में बदल जाती है और त तो के बाद यदि स हो तो छ में ध्वनि बदल जाती त तो के बाद जैसे मत्स्य से मछली है ना मतलब संतान तो संतान के प्रति जो स्नेह या दुलार का भाव है उसे ही वात्सल्य भाव कहते हैं और वही साहित्य में वात्सल्य रस है यह माना गया कि जिस प्रकार श्रृंगार के दो भेद किए गए संयोग और वियोग श्रृंगार उसी प्रकार वात्सल्य के भी दो भेद किए गए संयोग वात्सल्य और वियोग वात्सल्य यों तो तुलसी की रचना में भी वात्सल्य रस देखने को मिलता है जब राम की चर्चा करते हैं राम के बचपन की चर्चा उनकी बाल लीला या माता कौशल्या के साथ राम या चारों पुत्रों के साथ उनकी माताओं के स्नेह की चर्चा लेकिन फिर भी वात्सल्य रस के सबसे श्रेष्ठ रचनाकार सूरदास जी थे इसीलिए सूरदास पर एक डायलॉग दिया आचार्य शुक्ल ने लिखा उन्होंने कि इस बंद आंखों वाले कवि बंद मतलब नेत्रहीन थे सूर थे जन्मांध कुछ लोगों ने कहा कि जन्मांध थे इस बंद आंखों वाले कवि सूरदास ने श्रृंगार और वात्सल्य का कोना कोना झांक लिया न केवल श्रृंगार का कोना कोना बल्कि वात्सल्य का कोना कोना भी झांक लिया मानो इनमें एक नारी हृदय बसता हो जैसे इन्होंने परकाया प्रवेश किया हो देह तो इनकी पुरुष की ही थी लेकिन आत्मा नारी की थी जब ये श्रृंगार और वात्सल्य का वर्णन करते हैं तो ऐसा लगता है कि मानो एक नारी मनोविज्ञान का परिचय देते हों इसलिए सूरदास को वात्सल्य का सबसे सशक्त रचनाकार माना गया दोस्तों संयोगवाद वात्सल्य में संतान माता पिता के पास रहती है और वात्सल्य में संतान का वियोग झेलना पड़ता है जैसे दशरथ राम का वियोग झेल रहे थे सूरदास की कविता में देखें तो कृष्ण जब नंद और यशोदा को छोड़कर के मथुरा चले जाती हैं तो यह नंद और यशोदा के लिए वियोग वात्सल्य है वात्सल्य रस में माता पिता और संतान के बीच सभी प्रकार की जिज्ञासाएं इच्छाएं उद्घाटित होती रही हैं जैसे सूरदास की कविता में जितने भी भाव देखेंगे तो भाई यदि माता यशोदा से कृष्ण कोई शिकायत करते हैं तो वहां भी वात्सल्य का भाव है जैसे मैया मोहे दाऊ बहुत खिझायो तो यहां भी आप समझ सकते हैं कि वात्सल्य का ही भाव है या कृष्ण पूछते हैं कि मैया कबहू बढ़ेंगी मोरी चोटी तो यहां भी वात्सल्य का ही भाव है या फिर कृष्ण यदि माता यशोदा के सामने झूठ बोलते हैं कि मैया हो नहीं माखन खायो या कहते हैं कि हो न चरा हों गाय मैं आज से गाय नहीं चराऊँगा या कोई इच्छा प्रस्तुत करते हैं जैसे कृष्ण कहते मैया हो तो चंद खिलौना लें हूँ मैं इस चंद रूपी खिलौने से खेलूंगा मुझे लाके दो या फिर माता यशोदा कृष्ण की परवरिश करती हैं उन्हें भोजन वगैरह देती हैं दूध पिलाती हैं उन्हें स्नान ध्यान करा के उन्हें सुलाती हैं बच्चे के लालन पालन में जो भी वक्त जाया करती हैं उस पर जितने भी पद हैं वात्सल्य के हैं कैसे जैसे मान लीजिए माता सुलाती हैं जशोदा हरि पालने झुलावे हलरावे मलहारे जोई सोई कछु गावे वहां भी वात्सल्य का भाव है वात्सल्य को यह माना गया कि साहित्य में यह रस बेशक बाद में जुड़ा किंतु यह जीवन के सबसे निकट रहा है यह माना गया कि शांत रस का विरोधी रस वात्सल्य रस ही है शांत रस का विरोधी रस वात्सल्य रस ही है दोस्तों यदि वात्सल्य के आगे बात करें तो करुण रस करुण रस के विषय में यह कहा गया कि करुण रस में सबसे अधिक आर्द्रता और तीव्रता होती है भवभूति और आचार्य शुक्ल ने यह माना कि सभी रसों की उत्पत्ति या यूं कहा जाए कि सभी रसों का उद्रेक करुण रस से ही होता है तो यह बात गलत नहीं होगी तो जरा इन बातों को समझिए करुण रस का स्थाई भाव जो है वह शोक है दोस्तों श्रृंगार में भी जब अंतिम दशा आती है तो उसे करुण वियोग कहती है यानी पति या प्रेमी जब हमेशा के लिए बिछड़ जाए या मर जाए तो श्रृंगार की भी अंतिम दशा शोक ही है करुण ही है इसीलिए उसे करुण वियोग कहा गया यानी वियोग श्रृंगार की जो अंतिम दशा है करुण रस के विषय में यह माना गया कि सभी रसों का उद्रेक करुण ही है यानी करुण रस से ही कहीं ना कहीं सभी रस उत्पन्न है सभी रसों के मूल में करुण है देखिएगा कि मन में करुणा उत्पन्न हो किसी के बच्चे को चोट लग जाए तो आपको अपना बच्चा याद आता है यानी कहीं ना कहीं वात्सल्य भी जन्म लेता है किसी अपने को चोटिल होते देखकर जब आप करुणा से भर जाते हैं तो आपके भीतर ओझ उत्साह वीर रस की भी उत्पत्ति होती है क्रोध या रौद्र रस की भी उत्पत्ति होती है आप भयानक रूप भी ले सकते हैं यानी सभी रसों का उद्रेक करुण रस से होता है इसलिए आचार्य भावभूति और आचार्य शुक्ल ने यह माना कि करुण रस में सबसे अधिक आर्द्रता और सबसे अधिक तीव्रता होती है करुण रस में सबसे अधिक सेंसिविटी होती है आप इसे नहीं छिपा सकते जैसे कुछ लोग कहते हैं कि श्रृंगार तो अपने आप में तीव्र है क्योंकि इश्क अश्क मुश्क रश् छिपाए नहीं छिपते लेकिन श्रृंगार रस से भी अधिक दोस्तों तीव्रता करुण रस में व्यक्ति यदि दुखी है तो उसके चेहरे पर उसके हृदय का प्रतिबिंब दिखाई पड़ने लगता है इसलिए करुण रस में सबसे अधिक आर्द्रता तीव्रता होती है करुण रस से सभी भावों या सभी रसों की उत्पत्ति भी होती है यह माना गया कि करुण रस से संबंधित जो कविताएं लिखी गई जैसे हिंदी साहित्य में करुण रस से संबंधित कविताएं शोक गीत के नाम से जानी गई लेकिन हिंदी साहित्य में पहले शोक गीत नहीं था दोस्तों ये शोक गीत या मर्सिया या सियापा ये कही चीजें हैं ये अरब की संस्कृति से आई या फिर पश्चिमी संस्कृति से आई क्योंकि पश्चिमी साहित्य में ही रचनाओं के अंत में दुखांत या ट्रेजेडी प्रवर्ती थी अरब में भी आप देखेंगे तो वहाँ विलाप वियोग एक प्रकार से जो इश्क की परंपरा है सुफियाना जो अंदाज है वो भी अरब की संस्कृति से आई सूफियाना अंदाज या सूफी गीतकार थी है जिसमें इश्क हो जिसमें वियोग हो जिसमें वीरा हो जिसमें ताड़प हो जिसमें करुणा हो तो साहित्य में करुण रस से जुड़ी रचनाएं शोक गीत मर्सिया या स्यापा के नाम से जानी गई जैसे आदिकाल में भी आप देखेंगे तो अमीर खुसरो इसकी शुरुआत करते हैं क्या गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस अमीर खुसरो कहते हैं अपने गुरु निजामुद्दीन औलिया के मृत्यु पर गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस चल खुसरो घर आपने रैन भाई चहुदेश वह भी एक प्रकार से मरसिया है स्यापा है किसी की मृत्यु पर फूट फूट कर रोने की एक परंपरा है दोस्तों आगे चल के आप देखेंगे तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भी पारसी प्रभाव से ही या यूं कहें उर्दू के प्रभाव से ही इस मरसिया को अपनाया था इसीलिए वो स्यापा लिखते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र भी स्यापा छाती पीट पीट करके विलाप करना तो आप देखेंगे उर्दू मर गई हाय हाय कहाँ सिधारी हाय है किसी की मौत पर और फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र ही भारत दुर्दशा में इस प्रकार के शोक पद्धति को या मरसिया को लिखते हैं छाती पीट पीट करके रोना कि रोवहूँ सब मिलके के भारत भाई रोवहूँ सब मिलके आव भारत भाई एक ही लाइन में है मेरे पास जगह नहीं है हा हा भारत दुर्दशा देखी न जाई देखिए ये जो हा हा है वो छाती पीट करके विलाप है हा हा भारत दुर्दशा न देखी जाई ये जो करुण रस से ओत शोक गीत है ये तब और प्रगाढ़ हुआ जब निराला ने इस पर कविता लिखी और उन्होंने अपनी पुत्री की मृत्यु पुत्री उनकी सरोज थी सरोज स्मृति नाम से पुत्री की मृत्यु पर जो उन्होंने रचना लिखी यह शोक गीत में न केवल पश्चिमी साहित्य न केवल भारतीय साहित्य अपितु पूरे वैश्विक साहित्य में श्रेष्ठ रचना है इसलिए माना गया कि निराला ने करुण रस से ओतप्रोत शोक गीत को एक नए प्रतिमान से जोड़ा जैसे उसमें रो पड़ते हैं बिलख पड़ती हैं पुत्री की याद में धन्य पिता में निरर्थक था या लिखते हैं दुखी ही जीवन की कथा रही क्या कहूँ आज जो नहीं कही तो समझ सकते हैं कि चाहे निराला हों भारतेंदु हो, अमीर खुशरो हो, इन सब ने करुण रस से ओतप्रोत शोक गीतों की मरसिया की या श्यापा की रचना की लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि इनके अलावा करुण रस से प्रभावित कोई रचनाकार थे ही नहीं कुछ बातों को जरा ध्यान से सुनिएगा आचार्य शुक्ल ने तुलसी को श्रेष्ठ कवि इसलिए कहा तथा उनकी रचना में लोक मंगल को इसलिए सराहा क्योंकि उनकी रचना में करुणा का भाव अधिक है ध्यान से सुनिए आचार्य शुक्ल ने यह लिखा कि तुलसी और सूरदास में तुलसीदास जी लोकमंगल की साधनावस्था के कवि थे और सूरदास जी लोकमंगल की सिद्धावस्था के कवि थे अर्थात तुलसी की कविता में करुणा अधिक थी करुणा में लोक मंगल का भाव होता है सूरदास की कविता में प्रेम का भाव अधिक है यह प्रेम आनंद उत्पन्न कर सकता है यह प्रेम व्यक्तिगत हो सकता है लेकिन करुणा सामाजिक होती है करुणा में सामाजिक मंगल का भाव छिपा होता है इसलिए शुक्ल जी ने तुलसीदास में भी करुणा के भाव को सबसे अधिक देखा और इसीलिए उनकी प्रशंसा की बात यदि करें कबीर वगैरह की कविताओं में तो कबीर की कविताओं में भी कही न कहीं ना कहीं करुण रस है जहां कबीर रोने की बात करते हैं कहते हैं दुखिया दास कबीर है जागे अरु सोए जागे अरु रोए या फिर कबीर कहते हैं चलती चाकी देखकर दिया कबीरा रोए जहां रुदन हो जहाँ क्रंदन हो जहाँ छाती पीट पीट करके किया गया विलाप हो उन सभी स्तरों पर करुण रस प्रधान होता है यह करुण रस किसी के गुजर जाने पर किसी की मौत पर कोई भयावह घटना घट जाए उस पर कोई एक्सीडेंटल मामला हो कोई चोटिल हो जाए कोई चीज़ क्षतिग्रस्त हो जाए कोई चीज़ अपने से बिछड़ जाए उन सभी स्तरों पर करुण रस उत्पन्न होता है करुणा का भाव उत्पन्न होता है करुण रस का स्थाई भाव शोक है करुण रस का जो सबसे बड़ा विरोधी रस है करुण रस का सबसे बड़ा विरोधी रस हास्य है क्योंकि व्यक्ति करुणा में हंस नहीं पाता हालांकि कुछ आचार्यों ने कहा कि मनोवेग की दशा में व्यक्ति हंसता भी है जैसे आप देखिए कि बहुत दुखी आदमी भी अपने ऊपर हंसने लगता है लेकिन उसका विरोधी रस हास्य ही है दोस्तों यदि अन्य रसों की बात करें तो आप देखेंगे कि भयानक रस भयानक रस का स्थाई भाव भय या डर है विभत्स रस का स्थाई भाव जुगुप्सा है और रौद्र रस का स्थाई भाव क्रोध है भयानक रस रौद्र रस और विभत्स रस विभत्स का अर्थ क्या है घिनौना इसीलिए विभत्स के विषय में यह कहा गया कि इसका स्थाई भाव जुगुप्सा है जिसे देखकर नाक भाव सी ले, लें जिसे देखकर उल्टी आने लगे मिचली होने लग गए व्यक्ति अचेत दशा में पहुंच जाए मूर्छित होने लग जाए रोंगटे खड़े हो जाए सन्नाटे में सख्ते में आ जाए उसका रंग उड़ जाए तो जो विभत्स है उसका अर्थ ही है घृणित हो जाना नाक भाव सिकोड़ लेना जो रौद्र रस है उसका स्थाई भाव क्रोध है और भयानक रस का स्थाई भाव भय या डर है दोस्तों कई बार आपसे पूछ लिया जाता है इस प्रकार का प्रश्न कि इस प्रसंग में कौन सा रस उत्पन्न होता है जैसे मान लीजिए कि लक्ष्मण परशुराम संवाद में किस रस की उत्पत्ति है रौद्र रस लक्ष्मण भी क्रोध में आवेशित हैं और परशुराम को तो लगता है कि शिव धनुष जिसने तोड़ा वह निश्चित तौर पर मेरा शत्रु है इसीलिए दोनों का संवाद ऐसा चलता है एक तरफ लक्ष्मण जो कहते हैं विप्र विचारी बधो नहीं तो ही कि ब्राह्मण समझ करके मैं आपकी हत्या नहीं कर रहा हूं कुम्हड़ बतिया इही कोई नहीं कुमड़े का बीज यहां कोई नहीं है जिसे आप उंगली दिखाएंगे और वो मर जाए तो दूसरी तरफ परशुराम हैं जो अब तक बाल हट समझ करके क्षमा कर रहे हैं लक्ष्मण को जहाँ एक दूसरे पक्ष प्रतिपक्ष दोनों में आवेश का भाव हो क्रोध का भाव हो ऐसे जो भी संवाद गढ़े गए जाहिर सी बात है वहाँ रौद्र रस या क्रोध के भाव का जन्म होता है कोई लाश सड़ रही हो जिसे गिद्ध नोच नोच करके खा रहे हों कई बार आप देखेंगे कुछ जीव जंतुओं को मांसाहारी जीव जंतु जीते ही नोच करके खाने लगते हैं वो जीव बेचारे तड़प रहे हैं छटपटा रहे हैं बेभत्स जो शाकाहारी हैं या कई बार मांसाहारी भी दुकानों पर कसाई खानों में बुचड़ खानों में पशुओं को कटते मरते उन्हें चीखते उन्हें चिचियाते उन्हें रुदन करते तड़पते देख करके के उनके मन में जो भाव उत्पन्न होता है वह भी बहुत सरस होता है भयानक बताने की जरूरत नहीं है कोई भयान चीज हो कोई भयावह चीज हो कोई हिंसक पशु सामने आ जाए जिसे देख करके के चेहरे का रंग उड़ जाए कप कपी होने लग जाए मन न जाने कितनी चिंताओं आशंकाओं से भर जाए व्यक्ति की चेतना खत्म हो जाए उसके होठ फड़कने लग जाए हाथ पांव हिलने कापने लग जाए तो वहाँ भयानक रस या भय या डर की उत्पत्ति होती है जो प्रश्न पूछे जाते हैं आपसे ध्यान से सुनिएगा जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो सबसे ज्यादा श्रृंगार रस वीर रस हास्य रस से करुण रस से प्रश्न अधिक पूछे जाते हैं शांत रस से भी प्रश्न अधिक पूछे जाते हैं इन तीनों रसों में रौद्र रस थोड़ा महत्वपूर्ण है यहाँ से प्रश्न बनता है बाकी भयानक और विभद से प्रश्न कम ही आते हैं इससे प्रश्न नहीं बनते दूसरी बात कि रसों को लेकर के जो कई स्टेटमेंट जारी किए गए शुक्ल जी का स्टेटमेंट हो या भरत मुनि का स्टेटमेंट हो रसों के अवयव पर ज़्यादा ध्यान दीजिए वहाँ से प्रश्न आते हैं फिर जो हाइयर स्टडीज़ के लिए आप तैयार करते हैं तो उसमें रस निष्पत्ति का सिद्धांत आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है उसमें साधारणीकरण महत्वपूर्ण हो जाता है रसाभास महत्वपूर्ण हो जाता है उन मुद्दों को जरूर देखते रहें पहले हम एक बार अब अगली क्लास में बेसिक तौर पर अलंकार को समझेंगे फिर अलंकार की जो ऊपरी चीज़ें हैं जो हायर क्लासेस में या जो बड़ी परीक्षाएं उसमें पूछी जाती हैं उनकी बात करेंगे तो जैसे अलंकार अब भरत मुनि हैं भरत मुनि ने जिस प्रकार आठ रसों की चर्चा की उसी प्रकार उन्होंने चार अलंकारों की चर्चा की तो संख्या देखेंगे अलंकारों के किसने कितने भेद बताए कौन कौन से ये भेद आए अब उस पर बात करते हैं